हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023, इसकी वैकेंसी अभी हाल ही में निकली थी और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यह 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। और यदि लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15 अगस्त 2023 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हो। तो एसएससी का फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो उन सारी प्रोसेस को हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर टाइप करना है आपको एसएससी। जैसे ही एसएससी टाइप करोगे तो टाइप करते ही आपके पास में शुरू में एक वेबसाइट आएगी, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें एक तो दे रखा है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। तो इस नोटिस को भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली गई है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यदि आपने पहले से इसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर देंगे यानी लॉग इन कर देंगे। लेकिन यदि आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले जाना है न्यू यूजर पे या फिर रजिस्टर नाउ पे, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें नीचे स्लाइड डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल जो है ये बेसिक डिटेल फिल करनी है। अब बेसिक डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले दिया हुआ आपके पास में डू यू हैव ए आधार कार्ड, यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज इस पे नो पे क्लिक कर देंगे। यदि इस पे नो पे क्लिक कर देते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ आईडी, यानी आपको यहाँ से अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी आईडी आपके पास में अवेलेबल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, वो आईडी आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आईडी नंबर, जो भी आपके आईडी नंबर थे वो आईडी नंबर यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो इस पे यस करना है, और आपके जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पे पुट कर देना, वेरीफाई आधार नंबर, जो भी आपने आधार नंबर थे वो वापस से यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद में दीते दिया हुआ नाम, नाम जो है आपकी 10th क्लास यानी मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट जो है अपने सर्टिफिकेट उसी के अकॉर्डिंग अपना नाम फिल करना है। वेरीफाई नाम, आपका जो भी नाम था उसी को वापस से यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे नीचे फादर्स नेम, जो भी आपका फादर्स नेम है वो फादर्स नेम यहाँ पे ऐड करना है, वेरीफाई फादर्स नेम ऐड करना है। लेकिन ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि फादर्स नेम में हो गया या कैंडिडेट नेम में हो गया, इनमें मिस्टर, श्री, श्रीमती ये कोई भी नहीं लगाना है इसके अंदर से। नेक्स्ट है मदर्स नेम, यहाँ पे ऐड कर देंगे, वेरीफाई मदर नेम में वेरीफाई सेम मदर नेम वापस से यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसे मान लो 1999 है तो यहाँ से 1999 सेलेक्ट कर लो, 1998 कर लो, 7 कर लो, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने ईयर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 21/12/1997 वापस से यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में जाना है, जो भी आपकी ईयर हो यानी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पे मेट्रिकुलेशन यानी आपकी जो 10th की डिटेल है वो डिटेल फिल करनी है, जिसमें एक तो दिया हुआ है एजुकेशन बोर्ड, जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है, जैसे आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से आपने 10th क्लास पास की है तो ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। वेरीफाई बोर्ड के अंदर वापस से यही बोर्ड आपको फिल करना है, जो भी आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल कर लेना है। वेरीफाई रोल नंबर में वापस से सेम रोल नंबर आ जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग की बात की जाए, जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास की थी, जैसे 2014 में की हो तो 2014 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर, जो भी आपका जेंडर हो, जैसे फीमेल हो मेल हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दिया हुआ यहाँ पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया हुआ, जैसे 10th क्लास, 12th क्लास, डिप्लोमा, जो भी आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वापस से वेरीफाई करना है ईमेल आईडी को। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट या फिर यूटी, जहाँ के आप निवासी हो वो आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे आप राजस्थान के निवासी हो, गोवा के हो, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कर देंगे सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कन्फर्म का ऑप्शन, तो इसे कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि बेसिक डिटेल आर सेव, यानी आपने जो भी बेसिक डिटेल थी वो सेव हो गई है। उसके बाद में आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे 14 दिन तक रहेंगे, 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे यदि आप इसको एक्टिव नहीं करते हो तो। जैसे ही ओके करोगे, ओके करने के बाद में यहाँ पे शो कर रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर बताया गया है कि 14 दिन के बाद में जो है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी आपको एक मेल आईडी पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये मिले हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करोगे, तो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद में आपके पास में एसएससी के थ्रू एक मैसेज आया हुआ है जिसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिल जाएंगे और इसके लिए आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड लगा के आपको जो है अपना एसएससी इसको लॉगिन करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी आपने अगर इससे रजिस्ट्रेशन को कंफर्म नहीं किया, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के पासवर्ड लगा के इसको कंफर्म नहीं किया, तो आपका डाटा जो है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, फिर से आपको वापस से इसके लिए अपना डाटा ये फिल करना पड़ेगा। चलिए अपन आते हैं वापस अपनी एसएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने हैं और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। नेक्स्ट दे रखा है कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड यहाँ पे है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करके इसको कर देंगे लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो लॉगिन करने के पास में आपके पास में आपके पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो जीमेल पे पासवर्ड आए थे वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आए थे, तो वो पासवर्ड आपको चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी पुराने पासवर्ड थे जो आपके मेल आईडी पे आए थे वो पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे आपके नए पासवर्ड एंटर करने हैं। लेकिन ध्यान देना है, नए पासवर्ड के अंदर आपको क्या क्या एंटर करना है। आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कलेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 8 अक्षर के होनी चाहिए। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं जैसे जैसे फिल कर रहा हूँ, जैसे 8 अक्षर हो गए तो ये यहाँ पे ग्रीन साइन शो करेगा, स्पेशल कलेक्टर लगा दिया तो ये शो कर दिया और ये हो गया अपने पास में कैपिटल लेटर हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपने पासवर्ड लगाने हैं। सेम पासवर्ड आपको यहाँ से वापस से फिल करने हैं और फिल करने के बाद में इसको कर देंगे अपन सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पासवर्ड जो है ये सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं। अब चेंज होने के बाद में आपको वापस से जाना है अपने लॉगिन पेज पे, यानी एसएससी के होम पेज पे, और आपकी यहाँ पे आपका जो यूजर नेम था, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट करने हैं और आपने जो भी पासवर्ड लगाए थे वो पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप अपने पासवर्ड भूल चुके हो, तो यहाँ पे जाना है फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के इसको सबमिट करेंगे। तो उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो है इन पे एक ओटीपी आएगा। आप इसमें ओनली ईमेल आईडी भी डाल सकते हो या फिर ओनली मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। तो उन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करने के बाद में आपके पास में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, इनको फॉरगेट कर सकते हो, पासवर्ड ये नए पासवर्ड लगा सकते हो। चलिए अपन कर लेते हैं इसको जल्दी से लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे आपने जो बेसिक डिटेल फिल की थी वो बेसिक डिटेल आपको एक बार फिर से यहाँ से आपको दिखाई देगी। यदि इनमें चेंज करना हो तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इसे एडिट के ऑप्शन में जाके आप इनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी सारी बेसिक डिटेल को चेक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, इसे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी कंटेंट एडिशनल डिटेल जो है ये फिल करनी है। जैसे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई में वापस से ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी की बात की जाए, जैसे आप इंडिया से निवासी हो तो इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे आपके फेस पे कोई मोल हो या फिर आपके शरीर पे कोई भी कट मार्क्स हो तो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। यदि आप डिसेबल्ड है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। यदि डिसेबिलिटी पर यदि आप यस कर देते हो तो नीचे एक और फंक्शन चालू हो जाएगा जिसमें आपको बताना है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी OH, HH, VS या फिर अदर जो भी हो वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें VH के अंदर दे रखा है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन हो गया, HS का ऑप्शन दे रखा है, तो वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप डिसेबल्ड नहीं है तो आपको इस पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो, जैसे आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट का,
जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपकी एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ये मांगी जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है नेशनलिटी, जैसे आप इंडिया से हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके पास में जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे आपके फेस पे कोई मोल है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, या बॉडी पे कोई कट मार्क है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया मोल ऑन फेस, यानी फेस पे मोल है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल्ड है तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी डिसेबिलिटी जैसे OH है, HH है, VH या अदर, वो सेलेक्ट कर लेना है। VH का मतलब क्या हो गया, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन हो गया, तो ये यहाँ पे आपको नोट में दिखाई दे देगा। यदि डिसेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो वो एड्रेस फिल करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपका जो भी स्टेट है या यूटी है वो यूटी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास में यहाँ पे पिन कोड, तो पिन कोड एंटर करना है। नेक्स्ट है इज प्रेजेंट एड्रेस आर सेम एड्रेस, यानी कि यदि आपके पास में कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया या परमानेंट एड्रेस, जैसे परमानेंट एड्रेस ऊपर देना है आपको यहाँ पे, और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट में आप जहाँ पे रह रहे हो वो अगर दोनों के दोनों एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका ऊपर का जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में इसको कर देंगे सेव और नेक्स्ट। जैसे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में डिक्लेरेशन का ऑप्शन देगा, और इस पर आई एग्री क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में इसको कर देंगे फाइनल सबमिट। यदि एडिट वगैरह करना हो तो यहाँ पे प्रीवियस के अंदर जाके आप प्रीव्यू के अंदर जाके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको इसको सबमिट करना है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। आपकी ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे कोई सा भी OTP आए वो OTP आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है और इसको कर देंगे सबमिट। जैसे ही आप अपने OTP वेरीफाई कर दोगे, OTP वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको किसका फॉर्म भरना था, अभी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका फॉर्म भरना था। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 22/7 से, लास्ट डेट है 15/8, जिसमें आपको रात 11 बजे तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट की लास्ट डेट है 15/8, और करेक्शन की डेट की बात की जाए तो यह है 16/8/2023 से 17/8/2023 तक। तो यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है। अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी पोस्ट थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे SSC के अंदर जो भी वैकेंसी देख अभी निकली हुई है या फिर पहले निकल चुकी है वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी प्रेजेंट के अंदर ये वाली वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें जाके आपको सबसे पहले करना है अप्लाई पे क्लिक। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में जैसे आपका कैंडिडेट का नाम जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे फिल कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज हो गई, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। जैसे स्लाइड डाउन नीचे करके आएंगे तो यहाँ पे 10th की डिटेल ऑटोमेटिक आपको फिल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है 14वें नंबर का पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि आप OBC से बिलोंग करते हो और OBC की जो लिस्ट दे रखी है वो नोटिफाई है दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो आप इस पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि विश टू बी ट्रेटेड एज OBC फॉर SI इन दिल्ली पुलिस एंड UR फॉर अदर पोस्ट, यानी OBC के जो कैंडिडेट हैं वो यदि इस पे यस क्लिक करेंगे तो आप जो है ये OBC के अंदर SI पोस्ट के ऊपर, जो दिल्ली पुलिस के अंदर SI की पोस्ट निकली है उसके अंदर तो आप OBC का रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन जो अदर पोस्ट है उस पे आप जनरल के थ्रू जाएंगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है या फिर इसको नो पे क्लिक कर देंगे। वापस से सेम ये वाली जो पोस्ट है इसको आपको यस या फिर नो करना है। ये वाली पोस्ट जो है इसमें आपके पास में EWS कैटेगरी का ये दे देगा, तो ये EWS के लिए है, तो यहाँ पे भी आप यस या फिर नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है आर यू आई डिपार्टमेंट कैंडिडेट, यानी डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इस पे नो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सेम वेरीफाई करना है कि आप दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हो, यानी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी के अंदर यदि आप पहले से लगे हुए हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। यदि आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो यस या फिर अदरवाइज नो पे।
एनसीसी सर्टिफिकेट वापस से वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास में एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आगे कुछ डिटेल मांगेगा नहीं। प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी आपके जो भी एग्जाम सेंटर है, जहाँ पे भी आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो वो आप यहाँ से अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट अपन को जयपुर देना था, सेकेंड नंबर दिल्ली दे दिए, थर्ड नंबर पे अपन अजमेर दे दिए, तो ये यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अदरवाइज इस पे नो पे क्लिक कीजिए। ये आपको फिल करना नहीं है क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। नीचे दे रखा है वेदर एलिजिबल फॉर द स्पेशल कोटो एज ESM फॉर दिल्ली पुलिस, यस या फिर नो। ये ऑटोमेटिक अपने पास में ये जो अपने एक्स सर्विसमैन थे उनके लिए था। एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, यदि आपकी जो एज है ये एज क्राइटेरिया के बाहर जा रही है तो आप अपना यहाँ से एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग ओबीसी के लिए आपको 5 साल का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए ये 5 साल का रिजर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपने MA कर रखी है तो MA सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर इक्विवेलेंट है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट देखा है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल एंटर करनी है। जैसे ईयर ऑफ पासिंग की बात की जाए तो ईयर ऑफ पासिंग जैसे 2020 में पास किया था, कहाँ से पास किया था, किस भी स्टेट से पास किया था, वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड की बात की जा रही है, जो भी आपका बोर्ड हो वो बोर्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है रोल नंबर, जो भी आपके रोल नंबर हो वो रोल नंबर फिल करना है। कितनी परसेंटेज आपकी रही थी वो परसेंटेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि डू यू वांट टू, यानी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये DOP & TS इसके वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहते हो या फिर नहीं, तो ये अपने अकॉर्डिंग यस या फिर नो कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही नीचे स्लाइड डाउन करोगे, स्लाइड डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है फोटो की साइज जो है ये 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जबकि सिग्नेचर की साइज 10 से लेके 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जाना है चूज फाइल पे। तो चूज फाइल पे जाने के बाद में आपकी जहाँ पे भी फ़ोटो हो वो फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन फ़ोटो की साइज 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इरर बता दिया कि 20 से 50 KB के बीच में इसकी साइज नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी रिसाइज करनी है इमेज। इमेज रिसाइज करने के लिए आपको जाना है, ऑनलाइन भी कर सकते हो इसके लिए बल्क इमेज रिसाइजर, इसके द्वारा आप इसको ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है चूज फाइल पे, यानी आपकी जहाँ पे भी आपके PC के अंदर आपकी इमेज थी वो इमेज यहाँ पे चूज फाइल पे जाके इमेज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक तो स्केल साइज दे रखा है और इमेज क्वालिटी, और इसको कर देंगे स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करेंगे, पहले 4 KB की थी, अब हो गई है 2 KB की, जबकि अपन को फॉर्म भरते टाइम पे कितनी चाहिए 20 KB की, तो अपन को इसकी स्केल साइज बढ़ानी है। एक तो स्केल साइज जैसे 50 से इसको 200 कर दो और वापस से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हो गई 8 KB की, अपन को और ज़्यादा चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्केल साइज 200 है, इमेज क्वालिटी को 100% कर देते हैं और फिर से करेंगे स्टार्ट, तो ये आ गई 47 KB की, अपन को चाहिए थी 50 KB की, यानी अब इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये यहाँ से अपनी फाइल जो है ये अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में आपकी जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो ये सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में, फ़ोटो अपलोड करने के बाद में, नीचे यहाँ पे 28 नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें दे रखा है कि आपकी फ़ोटो जो है ये है 28 अप्रैल 2023 से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी 28 अप्रैल 2023 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे या फिर यस पे क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान देना है इसको यस पे क्लिक करना है, क्योंकि यदि आपने नो पे क्लिक कर दिया तो आपका फॉर्म जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके जो कैप्चा कोड दिए हुए वो कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है, जैसे PZYPI, ये जो भी कैप्चा कोड थे वो एंटर करने के बाद में करेंगे प्रीव्यू पे क्लिक। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपकी डिटेल शो करेगी। इस डिटेल के अंदर आपकी जो भी डिटेल है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने अपना फॉर्म जो है ये बिल्कुल सही से फिल किया है या फिर नहीं किया है, जिसमें सबसे एंड पे आपको जाके बताएगा कि यहाँ पे यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो इसको एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हो या फिर इसको कर सकते हो फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद में इसको करेंगे अपन ओके।
जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास में यहाँ पे शो गया एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, तो यहाँ से कर देंगे ओके। अब ये वाला जो फॉर्म था ये फीमेल का भरा था, तो फीमेल के लिए फीस जो है ये बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ से आपका फॉर्म जो है ये फिल हो चुका है। और इसके बाद में लास्ट के अंदर अपने पास में पेमेंट का ऑप्शन आता था, लेकिन पेमेंट जो है ये अपन ने फीमेल का ऑप्शन था, यानी फीमेल का फॉर्म भरा था अपन ने, तो पेमेंट इसका ऑलरेडी हो गया है। यदि अपन जेंट्स का फॉर्म भरते हैं, जैसे मेल कैंडिडेट का फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे आपको पेमेंट के अंदर जाके आपकी फ़ीस पेमेंट करवानी है। फीस पेमेंट करवाने के बाद में आप यहाँ से इसका प्रिंटआउट ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप SSC का जो फॉर्म है ये फिल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल्स थी, किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उन्हें सभी को हमने कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।